ओफ अल्लाह, ये टेलर की दुकान है या कोई फैशन हाउस है, समझ नहीं आ रहा। ओ हैरी साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप नाप लेकर आ गए? जी बिल्कुल, ये रहा, देख लीजिए। ठीक है। माहिरा पहले से ज्यादा लंबी हो गई है। हाँ। माहिरा के ज्यादातर कपड़े इन्हीं से सिलवाता हूँ। वाकई अच्छी बात है। ये आपने सिया है? कितना ढीला ढाला है, इसको थोड़ा फिट रखती तो पहनने में ज्यादा अच्छा लगता। ये एक स्टाइल है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। लगता तुम्हें इस बारे में काफी मालूमात है। हाँ, बस थोड़ी बहुत मालूमात है मुझे। एक बात बताऊँ आपको, सानिया साहबा भी बहुत अच्छी टेलर है। हैरी साहब, मेरे ख्याल में ये डिजाइन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या ख्याल है? ये वाला? हाँ, मैं ऐसा ही सिलवा रहा, लेकिन उस जैसा मत सीधना ढीला ढीला, कमर से थोड़ा फिट होना चाहिए, ऐसा न लगे कि झूला लटक रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्हें ड्रेस बनाने में महारत ही नहीं है। देखिए मोहतरमा, आप मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मैं अपना काम जानती हूँ। मैं आपको कोई काम सिखा नहीं रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा है कि आपको आता नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? सानिया साहब, मैं पिछले 40 सालों से ये काम कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं आपको खाला बुला सकती हूँ क्या? हैरी साहब, समझा लें आप इन्हें। अरे मैं इसे बदतमीजी थोड़ी कर रही हूँ, जो बात है वो बात है, बस जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने बोल दिया, इसमें गलती क्या कहा मैंने? आप इन डिजाइन की तरफ देखिए, कौन पहनता है आजकल ऐसे? ये सब धोखा देने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, बस अपनी बातों से लोगों को लूट रही है। ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, मेरी बात पे यकीन करें, अगर मैं आपके साथ नहीं आती तो ये आपको भी लूट लेती। आप मुझे गलत तो नहीं समझ रहे? बड़ी दुकानें ना सिर्फ लूटने के लिए होती हैं, दिखाते कुछ हैं बनाते कुछ हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन लोगों को। अफसोस की बात ये है कि आप जैसे लोग इनके धोखे में आ जाते हैं। गुस्से से तो मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं इस दुकान में जाके। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको इससे इतनी हमदर्दी हो क्यों रही है, यहाँ पे कोई और टेलर नहीं है क्या? सच कह रही हूँ मिस्टर हैरी, मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, खुद पे काबू नहीं आता, गुस्सा आ जाता है मुझे, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा आप पर सूट नहीं करता, कोई फायदा नहीं, जाने दो। पड़ी खुद को कोई एक्सपर्ट समझ रही थी वो, जैसे मुझे कुछ नहीं पता, 40 साल का तजुर्बा है मेरा, कपड़े सीने आते नहीं है, सिर्फ झूठ बोलती है। तुम मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। अच्छा मैं चलती। अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, और अगर सच कहूँ तो इस तरह का रवैया मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपको मुझ पे भरोसा है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सानिया साहिबा। एक बात कहूँ, क्या मैं तुम्हें तुम कहकर पुकार सकता हूँ? बहुत ही अच्छा ख्याल है तुम्हारा, सच पूछो तो मैं आप जनाब से तंग आ गई। इस तरह ज्यादा बेहतर है ना, तुम कहना। बिल्कुल हैरी। सानिया, ये ठीक है, अगर मुझ पे भरोसा है तो सोना और माहिरा के कपड़े सी दूंगी, मुझे इतना यकीन है कि उससे तो अच्छा सी ही दूंगी मैं, अगर आप भरोसा करें तो। भरोसा है ना तुम पर, क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे सिले हुए कपड़े देखे हैं, बहुत अच्छे सी हैं तुमने। सच कह रहे हो क्या? फिर यहाँ क्यों आए? तुम तो जानती हो हाई सोसाइटी की टेलर है ये, और टेलर, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब सोना माहिरा की माँ है तो मैं उसकी खाला हुई ना, तो क्या मैं अपनी भांजी के लिए खूबसूरत सा जोड़ा नहीं सी सकती क्या? दुनिया का सबसे खूबसूरत ड्रेस होगा, देख लेना। मुझे तुम पर भरोसा है सानिया। शुक्रिया हैरी। चलें।